Hello, students. Welcome to my channel. In last video, we have discussed abnormal molecular mass or abnormal molar mass, just okay, and the term van't Hoff factor being observed. And what is that van't Hoff factor? That is I. I is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property. Correct, observed upon calculated colligative property. Colligative property and colligative property is inversely proportional to molecular mass. So you can achieve the formula now. Ops factor is less than one you have seen. if there is association of the solute in a solution and is greater than one if there is dissociation of the solute in a solution. All substances that undergo neither dissociation nor association in a solution.

ये ए बॉन्ड बी था राइट और डिजॉल्व करने के बाद क्या हो गया ये ए माइनस और बी प्लस में दोनों दो पार्ट में अलग अलग हो गया तो क्या बोल गया डिसोसिएशन हो गया अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन क्या मतलब हुआ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए बी फर्निशेज हंड्रेड परसेंट डिसो मतलब होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ए बी जो मॉलिक्यूल था ए बी का मॉलिक्यूल वो दो आयन प्रोड्यूस कर रहा है टू आयन इन द सोल्यूशन कौन से देख रहे हैं आपको ए माइनस आयन बी प्लस आयन तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी नंबर ऑफ आइंस आई वैल्यू क्या दिखा रहे? Number of ions. Correct. तो क्या बना देगा ये? ये I equals 2 हो जाएगा, 2. बहुत अच्छा दिया है KCL के लिए पोटेशियम क्लोराइड को हमने मान लो पानी में किया। अब ये दो पार्ट्स में टूटा के प्लस और सी एल माइनस में तो आपसे क्या आप कैसे इसको डिफाइन करोगे केमिकली आप बोलोगे कि वन मॉलिक्यूल ऑफ के सी एल फर्निशेस मतलब प्रोड्यूसेज टू आय ऑफ़ इन इन सोल्यूशन देन आई इज इक्वल टू वॉट आई का फॉर्मूला आप लगाए यहां पर तो आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन बहुत इंटरेस्टिंग है है ना आफ्टर डिसोसिएशन कितने आयन मिल गए आपको दो आयन मिले डिसोसिएशन कितने थे molecule, देखो पार्टिकल पार्टिकल कितना था था एक के बाद ये दो अलग अलग पार्टिकल में स्प्लिट हो गया ना तो कितने पार्टिकल्स एक पार्टिकल दो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी अंडरस्टूड हुआ फॉर्मुला सेट करने के बाद आगे देखें दिस कंप्लीटली कम्प्लीटली पोटेशियम and chloride ions The value of i equal to nearly 0 0.5 for ethanoic acid in benzene which signifies that nearly the entire ethanoic acid has undergone association and exists as a dimer this is very interesting ethanoic acid what you acetic acid CH3 C O एच करेक्ट एथेनोइक एसिड आप बोलें या आप ये ही तो आपका सिरका है एसिटिक एसिड है एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जैसा कि हमने बताया था बेंजीन में डिजोल्व करते ही डायमराइज हो जाते हैं यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते हैं यानी कि दो मॉलिक्यूल मिक्स हो जाते हैं जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सपोज करो हमने केवल दो ही मॉलिक्यूल इसमें डाले थे किसके एसिटिक एसिड के यानी कि एथेनोइक एसिड के और वो अंदर जाके आपस में मिक्स हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके तो जब मिक्स हो गए तो एक बड़ा पार्टिकल बना दिया पहले दो पार्टिकल थे बेंजीन में मिक्स हो गए कितने हो गए एक पार्टिकल हो गए बड़ा इंटरेस्टिंग है जरा ध्यान से देखो आप लिखा है ना आई इज इक्वल टू वर्ट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन एसोसिएशन के बाद समझ गए ना क्योंकि यहां पे एसोसिएशन हो रहा है तो क्या कहेंगे फॉर्मोला क्या लगेगा टोटल नंबर ऑफ आईजिकल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन हमने जब बेंजीन में एथेनोइक डाला था तो दो अलग अलग पार्टिकल थे दो मॉलिक्यूल थे ना ये देखो लिखा है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सी एस थ्री सी ओ एच करेक्ट और जब वो बेंजीन में अंदर गया तो उसने आपको क्या कर लिया खुद से डायमराइज हो गया डायमर फॉर्म में आ गया समझ गया डायमर फॉर्म डायमर फॉर्म का सिंपली मतलब होता है आप ऐसे समझो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले सी एच थ्री सीओ करेक्ट ओ एच किसके लिए ये एक दूसरा मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इस टाइप से करेक्ट और ये इस टाइप से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल यहाँ पे फिक्स हो जाए तो जरा समझें जब बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाएगा तो ये तो एक ही तो बचा सिंगल और यहाँ कितने थे दो करेक्ट आप जरा ध्यान से देखें इंटरेस्टिंग पॉइंट है तो आई की वैल्यू क्यों एसोसिएशन के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया तो वन डिवाइडेड बाई टू पहले कितने थे दो मॉलिक्यूल तो कितना हो जाएगा पॉइंट फाइव तो आई की वैल्यू तो कितनी आ गई यहाँ पर एथनोई एसिड के लिए मोलिफाइड फॉर कॉमी

यू फोर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोवरिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सबके फॉर्मूले में क्या करना है आपको इनटू टू आई इन आई इन आई सबके लिए इनटू टू आई कर देना है सबको आई से मल्टीप्लाई कर देना है देखें कैसे प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी वन नॉट माइनस पी वन Elevation of boiling point delta Tb is equal to I multiplied by Kb multiplied by M. Depression of freezing point delta Tf is equal to I multiplied by Kf multiplied by M. See the multiplication? Lastly, the osmotic pressure of a solution pi is equal to I multiplied by N2 multiplied by R multiplied by t divided by v the degree of association as well as the degree of dissociation are represented by the letter alpha let us now derive a relation between the degree of association so, when to term termata degree डिग्री का सिंपली मतलब होता है एक्सटेंट क्या शो करेगा एक एक्सटेंट कितने हद तक कोई चीज एसोसिएट हुई है या फिर डिसोसिएट हुई ध्यान से रखेंगे डिग्री का मतलब क्या होगा एक्सटेंट क्या लिमिट है उसकी वेंट ऑफ फैक्टर आई एंड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा एसोसिएशन एल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ अब्सटेंस एल्फा इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सब्सटेंस

The number of moles associated, divided by the total number of moles taken. Understood. Alpha, E, degree. Consider one mole of solute A dissolved in a given amount of solvent. And suppose that n molecules of A associate to form associated molecule A n. And an equilibrium gets established between n A and associated molecule A n. the reaction properly understand? एन ए का मतलब क्या हो बेटा एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स एन मतलब क्या दिखा नंबर नंबर खूब सारे नंबर हैं तो बहुत सारे क्या हैं एन ए पार्टिकल हमारे पास क्या कहने का मतलब हुआ ये आप बता रहे हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब खूब सारे ए हैं और आपस में मिल के क्या बना रहे हैं कुछ इस टाइप का ए बॉन्ड ए प्लस ए बॉन्ड ए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ए बॉन्ड ए या फिर प्लस ये बना सकते हैं ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए ये बना सकते हैं सुना एसोसिएट हो गए ना एसोसिएट मतलब होता है बेटा बॉन्डेड हो गए जो अलग अलग एन एन नंबर ऑफ थे खूब सारे ए थे वो क्या हो गए बॉन्डेड फॉर्म में आ गए यानी वो ए से ए मिल गए तो ये ये प्रेजेंटेशन होता है आपका किसके लिए किसी केमिकल रिएक्शन के लिए तो यहाँ से नीचे देखेंगे और हाँ यहाँ पे एक साइन दिया है इक्विबरियम का जो कि आपने केमिकल इक्वीरियम पढ़ा होगा किसी रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन जब बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए तो क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम तो मेंटेन हो गई यानी कि जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही क्या बन रहा है बार बार रिएक्टेंट वापस बना जा रहा है तो क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेंड है अगर किसी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही इसका मतलब वो क्या इक्विलिब्रियम मेंटेंड है या तो पूरी तरह से प्रोडक्ट बन चुका है ठीक है ना सारी रिएक्शंस देखो इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं सारी रिएक्शंस जरूरी नहीं रिवर्सिबल हूँ ठीक है ना सारे नहीं होते कुछ रिएक्शन की बात कर रहे अगर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर एक हमारे पास इक्लिब्रियम से रिलेटेड कोई रिएक्शन है और खूब सारे एन ए पार्टिकल्स जो हैं एसोसिएट हो रहे हैं तो क्या किया जाएगा अब डिग्री देखें कितने हुए कितने हाउ मेनी इफ एल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट देन एट इक्विलिब्रियम वन माइनस मोल्स ऑफ ए आर लेफ्ट इन अनएसोसिएटेड फॉर्म अंडरस्टूड हुआ व्हाइल Alpha divided by n moles of AN are present in associated form. Therefore, the total number of moles of particles after association is equal to one minus alpha plus alpha divided by n. Because in equilibrium, let us consider. Suppose, one reaction has our pass AN that uh, AN becomes AN. Means, n, n uh, number of A particles, which a, 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 a atoms, which are, anything वो एस रिएक्शन होने के बाद एसोसिएट हो गए ए एन बन गए राइट बॉन्डेड हो गए तो कह रहे हैं अगर सपोज सपोज करें कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं अल्फ़ा मतलब एक्सटेंड इतने खूब कुछ फ्रैक्शन है अल्फा अल्फा फ्रैक्शन जो है पूरे सब्सटेंस का अल्फा जो क्या हो गए वो एसोसिएट हो गए तो यहाँ पीछे कितने बचे सपोज करो पीछे थे एक नंबर तो अल्फा माइनस कर देंगे वहाँ पे राइट right? और जब किसी भी सब्सटेंस को हम किससे डिवाइड कर देते हैं एन से तो पूरा कितना हो जाएगा मोल हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया तो टोटल मोल्स कितने हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए आफ्टर एसोसिएशन क्योंकि इक्विलिब्रियम में है पीछे वाले को और ये जो बैकवर्ड दोनों को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे वन माइनस अल्फा अल्फा प्लस अब आगे देखें सैलेक्शन ऐसे करेंगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे If there is no association, then the number of particles is equal to one. Substituting the values of the number of particles in the relation I is equal to total number of moles of particles after association or dissociation divided by the number of moles of particle before association or dissociation. We get I is equal to 1 minus alpha plus alpha divided by n divided by 1. On simplifying for alpha, we get Alpha is equal to 1 minus i multiplied by n by n minus 1. Thus, if the value of n and Van't Hoff factor i is known, then the degree of association alpha can be calculated. On the thing? same lines, let us now derive a relation between Van't Hoff's factor i and degree of dissociation alpha.